नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे एक टीन एज गर्ल के बारे में जो कि 10th क्लास में है, पूजा जी की बेटी प्रिशा, चेन्नई से। लास्ट टाइम उन्होंने अपने बारे में पूछा था, उन्होंने कहा था इसी पैटर्न में मुझे कुंडली चाहिए जैसे सर सेलिब्रिटीज़ की बताते हैं। अब वो कह रही सेम मुझे अपने डॉटर की भी ऐसी चाहिए, क्योंकि ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं 10th के बाद सबको बच्चों को अपनी स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो उनका क्वेश्चन है 11th की में मेरी बेटी कौन सी स्ट्रीम चूज़ करे और 12th के बाद उसका करियर कहाँ है, इंडिया में या इंडिया से बाहर अब्रॉड में। तो सुमित सर आज हमें समझाएंगे। सर बताइए प्रिशा की कुंडली के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी पश्चिम बिहार से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। फ्रेंड देखिए, ये जो जैसे बताया अभी आपको प्रतिभा जी ने कि ये 10th क्लास के लड़की कुंडली से अपना कोर्स डिसाइड करता है, अपनी स्ट्रीम डिसाइड करनी है, तो वो सभी पेरेंट्स या वो सभी बच्चे जो समय 10th के अंदर है, 11th में जाना है, 12th के अंदर है, तो अपना करियर चूज़ करना है, उनके लिए कुंडली एग्जाम्पल हो सकती है। आप अपने आप से इसको रिलेट करके चल सकती है। ये कुंडली उन लोगों के लिए है, ये हॉरोस्कोप उन लोगों के लिए जो मीडिया फील्ड या मास्कॉम में जाना चाह रहे हैं, इंटीरियर्स में जाना चाहते हैं, इवेंट्स को अपना एक प्रोफेशन बनाकर चलना चाहते हैं, मीडिया, डिजिटल मीडिया या स्क्रीन मीडिया किस या जिस तरह का भी आप मीडिया चूज़ करना चाहते हैं, चाहे आप जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं या कुछ भी इस तरह की फील्ड जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी चाहिए, इंटीरियर्स, ज्वेलरी डिजाइनिंग, सलून, पार्लर, ब्यूटी, फैशन, कपड़े का रिलेटेड कोई काम, कॉस्मेटिक्स, अगर आपने अपना कोई ब्रांड बना कर चलना है, आपने अपने को स्टूडियो खोलना है, तो ये सारी फील्ड्स आप ही के लिए। स्क्रिप्ट राइटर बनना है आपने, डायरेक्शन में जाना है, बिकॉज कुंभ लगन एक ऐसा, कुंभ लगन के अलावा 3 लगन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसके अंदर मीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, बिकॉज वीनस जो मीडिया को डिनोट करके चलता है, ब्यूटी को डिनोट करके चलता है, इन 4 लगनों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक तो हो गया वृषभ यानी कि टॉरस, जो कि अपना लगन है वीनस का, दूसरा होगा तुला लिब्रा, वीनस का अपना है, तीसरा होगा कैप्रिकॉर्न मकर, वो शनि का लगन, और चौथा होता है कुंभ लगन, जो कि इसमें भी वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग प्लैनेट बन जाता है। और एक प्लैनेट स्ट्रांग तभी बनता है इस कुंडली के अंदर प्रॉपर राजयोग प्रदान करके चलते हैं, जिसमें में एक साथ वो या तो केंद्र का लॉर्ड बनेगा और त्रिकोण का लॉर्ड बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे वीनस जो बनते हैं, देखिए 4th का लॉर्ड बनेगा बिकॉज यहाँ पे वृषभ राशि है, और 9th का लॉर्ड बनेगा बिकॉज यहाँ पे तुला राशि है। तो साइमल्टेनियस केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड बनने से वीनस के अंदर खूब सारी पावर आ जाती है, खूब सारा इसमें राजयोग आ जाता है, पैसा, नेम, फाइन, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो कभी भी अगर आपने अपना करियर चूज़ करना हो तो दोस्तों उसी चीज़ पे चूज़ करिए जो प्लैनेट कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्ट्रांग और कौन कौन सी फील्ड्स बनती है, हम लोगों ने क्या उनको हम लोगों ने उनको क्या सजेस्ट किया है, वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, यह कुंभ लगन की कुंडली, कुंभ का लॉर्ड यहाँ पर शनि आ गया। हालांकि अगर 1st का लॉर्ड 6th हाउस के अंदर होता है तो उसको वीक माना जाता है, बिकॉज 1st सेल्फ का होगा और 6th हाउस हेल्थ का होगा। तो जब 1st का लॉर्ड 6th के अंदर जाएगा तो उस प्लैनेट में जो एक उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, वो नीचे आ जाती है। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि बिकॉज शनि यहाँ पे 6th हाउस में तो है, लेकिन 6th का लॉर्ड अपनी ही 7th एस्पेक्ट से 12th हाउस को देखता है, जहाँ पे शनि की अपनी कैप्रिकॉर्न राशि है। जब शनि यहाँ से 12th हाउस को देखेगा और अपनी राशि उसकी स्ट्रांग होगी, तो बाय डिफॉल्ट उसकी 1st राशि भी, या जो कि यहाँ पे देखेंगे आप कुंभ राशि है, वो भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसकी जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। हाँ, इसकी एक नेगेटिविटी दूर रहेगी, बिकॉज शनि यहाँ पे 6th हाउस में है, चंद्रमा की राशि के अंदर है, कर्क राशि के अंदर, और चंद्रमा देखिए यहाँ पे मैंने इसको सर्कल कर रखा ऑलरेडी, चंद्रमा यहाँ पे नीचे है वृश्चिक राशि में, शनि चंद्रमा की राशि में 6th हाउस में, और 6th का लॉर्ड चंद्रमा नीच का, यानी कि जब एक्वेरियस में आ जाएगा, स्कॉर्पियो में आ जाएगा, नीच का हो जाएगा, चंद्रमा डिनोट करता है सर्कल्स को, गर्ल्स के सर्कल्स को, मंथली सर्कल्स को, तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज सर, हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है उसके अंदर, आगे जाके प्रेगनेंसी में थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। बट बिकॉज यहाँ पे सैटर्न 9th हाउस अपनी ही राशि को देखता है, तो ये इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते नहीं आगे, ये कंट्रोलेबल है इश्यूज। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको बताया था शुक्र के बारे में, देखिए 1st का मैंने आपको बता दिया क्या रोल है, जब भी 1st का लॉर्ड अपनी ही राशि को देखेगा तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये लगन तो मैंने बताया कुंभ है, इसके अगर हम देखें राशि है इनके वृश्चिक, वृश्चिक लॉर्ड राशि का जो लॉर्ड बनता है चंद्रमा, वृश्चिक वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड बनेगा वो है बनेगा मंगल। देखिए मंगल बैठे यहाँ पे वर्गों के अंदर, यानी कि बुध की राशि के अंदर, और बुध इस वर्गों का जो लॉर्ड है, कन्या का जो लॉर्ड है बुध, वो भी यहीं पे बैठे हुए हैं। मतलब कि सूर्य राशि का लॉर्ड बुध अपनी ही राशि के अंदर, चंद्र राशि का लॉर्ड मंगल भी उसी के साथ सूर्य के साथ, और कहीं ना कहीं 1st जो कुंभ राशि का जो लगन का जो लॉर्ड है शनि, वो अपनी ही तीसरे एस्पेक्ट से यहाँ पे 8th हाउस को देखते हैं। तो इन अ वे 8th हाउस के अंदर आप देखिए कितना बड़ा राजयोग बनता है। पर सर इसमें तो पांच पांच प्लैनेट है, फिर से मंगल, केतु, मैं वही वही
लोगों के ये माइंड में गलत कंसेप्ट है कि जिसके एट्थ हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं वो कुंडली नेगेटिव होती है। कल हमने एबीजी की कुंडली डिस्कस की थी बच्चन साहब की, तो उनकी कुंडली में भी एट्थ हाउस में चार प्लैनेट हैं, चार प्लैनेट्स हैं। और आपने कहा था कि हमने सबने देखा ये प्राइस की है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसके अंदर। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, बुध जो है वो कन्या का लॉर्ड बनते हैं अपनी ही राशि के अंदर, मतलब एक लगन अपनी, क्योंकि सूर्य राशि का लॉर्ड है अपनी राशि के अंदर। यहाँ पर देखिए चंद्र राशि का जो लॉर्ड है, वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड बनते हैं मंगल, मंगल भी यहीं पे बैठा हुआ है बुधर मंगल। और लगन का जो लॉर्ड है शनि, वो अपने तीसरे एस्पेक्ट से यहाँ पर देखता है। तो इन अ वे एट्थ हाउस के अंदर तीन तीन लगन लॉर्ड, तीन तीन लगनों के लॉर्ड बैठने से एक एस्ट्रोलॉजी का एक थंबनेल रूल बताता हूँ दोस्तों, कि जब तीनों लगन इकट्ठे होंगे किसी भी राशि के अंदर, सपोज़ कीजिए किसी भी तरह पार्टिसिपेट कर दूंगे इकट्ठे, तो कुंडली की जो स्ट्रेंथ है बहुत ऊपर चली जाती है। और दोस्तों उससे बड़ी बात क्या होगी, अगर यही तीनों लगन एक साथ बैठेंगे यहाँ पे, जैसे हमने देखा एट्थ हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और ये तीनों लगन जब एक स्ट्रॉन्ग हाउस को देखेंगे तो उस हाउस की जो प्रॉस्पेरिटी एक अलग लेवल पर आती है। अब देखिए एट्थ हाउस से ये सारे प्लैनेट देखते हैं सेकेंड हाउस को, बिकॉज यहाँ से सेवन्थ एस्पेक्ट जाएगा, सेवन्थ हाउस सेकेंड हाउस, और सेकेंड हाउस क्या होता है दोस्तों, वेल्थ का, वेल्थ इमेंस वेल्थ। तो इनकी जो बेटी है, जो एक कुंडली है, मैं एक पॉइंट श्योर कर सकता हूँ, अगर ये मीडिया में जाती हैं, फैशन में जाती हैं, तो वेल्थ की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। और दोस्तों दूसरी बात, जैसे फेम भी है क्या, नेम फेम, वही जब जब भी तीनों लगन साथ में बैठेंगे ना, तो नेम फेम बाय डिफॉल्ट अपने आप मिल जाते हैं, एक रूल है ये। तो क्या ये बच्ची अपने पैरों पे करेगी या पेरेंट्स की? मैं वही बता रहा हूँ, देखिए पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब ये यहाँ पे थोड़ा सा इकट्ठे बैठ के सेकंड हाउस को देखेंगे, वेल्थ वाले हाउस को, और ये इसको हम लोग स्पीकिंग हाउस भी कहते हैं। प्रदीप जी एक सेकंड, आप थोड़ा पीछे मैं समझाता हूँ उनको, देखिए स्क्रीन नजर आए, देखिए ये होगा स्पीकिंग के लिए भी। जब ये सारे प्लैनेट, इतने पांच पांच स्ट्रॉन्ग प्लैनेट और खासकर तीन तीन लगन, जब यहाँ स्पीकिंग वाले हाउस को देखेंगे, तो बच्चन साहब के जरा जो उनके मैंने कल आपको समझाया था, स्पीकिंग वाला जो पार्ट है खूब ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चले जाता है, और प्रोफेशनली वाया स्पीकिंग आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है, वाया स्पीकिंग आपको काफ़ी अच्छी इसमें स्ट्रेंथ मिलती है, पैसा मिलता है। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए, टेंथ हाउस जो कि प्रोफेशन का होता है, टेंथ का लॉर्ड मंगल जब सेकंड हाउस को देखते हैं, तो यानी कि टेंथ का और सेकंड का आपस में कनेक्शन बना, टेंथ और सेकंड में कनेक्शन बनने का मतलब दोस्तों प्रोफेशन वाया स्पीकिंग, सक्सेस वाया स्पीकिंग। तो अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, शुक्र मीडिया सेकंड हाउस को देखते हैं, टेंथ प्रोफेशन जिसका लॉर्ड मंगल भी सेकंड हाउस को देखते हैं, तो मीडिया या हम फैशन को स्पीकिंग के साथ कनेक्ट करके चले तो इनका प्रोफेशन बनता है, और ये प्रोफेशनली बहुत ऊपर जाएंगे। और दूसरा इसी तरीके से, क्योंकि पांच प्लैनेट यहाँ पे देख रहे हैं, तो वेल्थ भी मिलेगी। तो इस चीज़ को आप रिलेट करके चल सकते हैं कि फैशन, स्पीकिंग, वेल्थ, प्रोफेशन, नेम एंड फेम, इन चीज़ को जोड़िए तो प्रोफेशन जो मिलेगा बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशन मिल सकते हैं। और सर एक टाइम बात बताइए, इस बच्चे का राइट टाइम कौन सा शुरू हो रहा है बिल्कुल, जिसके करियर की अच्छी स्टार्टिंग हो जाएगी? मैं बस आपको एक चीज़ और बता दूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए मैंने बताया था त्रिकोण जो यहाँ पे, एक फिफ्थ हाउस त्रिकोण बनता है, एक नाइन्थ हाउस त्रिकोण बनता है। अब आप देखिए फिफ्थ का लॉर्ड मर्करी अपनी ही राशि के अंदर, नाइन्थ का लॉर्ड जो बनेगा शुक्र वो भी बुध के साथ बनता है, टेंथ प्रोफेशन का लॉर्ड केंद्र वो जो बनेगा मंगल वो भी साथ में, सेवन्थ का जो कि केंद्र उसका लॉर्ड सूर्य वो भी एट्थ हाउस के अंदर है। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए त्रिकोण, त्रिकोण बुध शुक्र, बुध और शुक्र यहाँ पे, केंद्र केंद्र सूर्य और मंगल यहाँ पे, तो चार चार प्लैनेट जिसमें एक फिफ्थ का लॉर्ड, एक सेवेंथ का लॉर्ड, एक नाइन्थ का लॉर्ड, एक टेंथ का लॉर्ड, जब ये सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे दोस्तों इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ राजयोग कल हमने डिस्कस किया था बच्चन साहब की कुंडली की, ऑब्वियसली उनकी कुंडली तो खैर काफ़ी ज़्यादा, उनका कोई मुकाबला नहीं है, बट कुछ कुछ परसेंटेज ऐसे ही यहाँ पे एक योग बनते हैं दोस्तों। इसमें एक और राजयोग मैं आपको समझाता हूँ, देखिए इलेवेंथ हाउस जो होता है जहाँ पे गुरु की राशि बनता है इनकम का, इनकम और बनता है गेंस का ये, और सेकंड हाउस बनता है वेल्थ का, मैंने आपको बताया अभी। और कुंभ लगन के अंदर, कुंभ लगन के अंदर गुरु ही एक ऐसा, जो जुपिटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, गुरु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो साइमल्टेनियसली इलेवेंथ का भी लॉर्ड बनता है, सेकंड का भी लॉर्ड बनता है। और किसी लगन में भी गुरु इलेवेंथ और सेकंड का साइमल्टेनियस लॉर्ड नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब है कि गुरु अपने अंदर खूब पैसा लेके चलता है, गेंस प्रॉफिट और गेंस फ्रॉम डिफरेंट साइड्स, इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो अब आप नोटिस करिए यहाँ पे जुपिटर की जो प्लेसमेंट है नाइन्थ हाउस के अंदर है, नाइन्थ हाउस जैसे मैंने आपको बताया केंद्र त्रिकोण बनता है, सबसे स्ट्रॉन्ग त्रिकोण नाइन्थ हाउस बनते हैं, तो मतलब कि, और इसको हम लक का भी हाउस कहते हैं। नाइन्थ हाउस दो चीज़ों को डिनोट करके चलता है, लक और एंटरटेनमेंट मीडिया।
इनकम का लॉट, इनकम का लॉट और वेल्थ का लॉट जब नाइन्थ हाउस में आ जाएगा तो कहीं ना कहीं लक और किस्मत भी वहीं पर सपोर्ट करती है, साथ चलेगी। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ, आप नोटिस करिए गुरु जो वेल्थ का लॉर्ड है वो कौन सी राशि में बैठा है, शुक्र के राशि के अंदर, और शुक्र यहाँ बैठा हुआ बुध के साथ और शनि, जिसको भी शनि देख रहा है सेल्फ वाले हाउस से। यानी कि मीडिया 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 सिर्फ मीडिया, ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, गारमेंट्स गारमेंट्स या इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह की फैशन की फील्ड सारी इनके साथ, फैशन डिजाइनिंग इन्हीं के साथ, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, सारा कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड। और सर एक बार बताइए, एट्थ हाउस फॉरेन का भी होता है, जैसे कि इसके मम्मा का क्वेश्चन है पूजा जी का कि मेरी बेटी इंडिया में पढ़ेगी या ट्वेल्थ के बाद अब्रॉड जाएगी, जो कि हर और जाएगी तो क्या उसको सक्सेस मिलेगी? देखिए एट्थ हाउस आपने बिल्कुल ठीक कहा, फॉरेन का होता है, ठीक है। एट्थ हाउस में जब इतने सारे प्लैनेट आके इकट्ठे हो जाएंगे जिसमें सेल्फ भी पार्टिसिपेट करेगा, शनि भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो कहीं ना कहीं शनि तो देखेंगे यहाँ पे ट्वेल्थ का ही लॉर्ड है, फॉरेन सेटलमेंट का, शनि सेल्फ का भी लॉर्ड है, अपने होम कंट्री का भी लॉर्ड है फर्स्ट, ट्वेल्थ फॉरेन का भी लॉर्ड है। तो शनि जब एट्थ हाउस को देखेगा, शनि अपनी राशि ट्वेल्थ हाउस को देखेगा, तो एक चीज़ हम मानकर चल सकते हैं कि ऐसा बच्चा फॉरेन में ही ज़्यादा नाम कमाएगा, चाहे वहाँ पे सेटलमेंट हो। और आप देखिए नोटिस करिए कि यहाँ पे हस्बैंड का जो लॉर्ड बनता है सूर्य, वो भी एट्थ हाउस में ही बैठा हुआ है बाकी सारे प्लैनेट्स के साथ शनि के द्वारा देखते हुए, तो हो सकता है कि शादी के बाद भी बाहर सेटलमेंट हो जाए, हस्बैंड भी फॉरेन का ही मिले। तो सर ये जैसे इनकी दशा है 30 अक्टूबर 2020 से लेकर 13 मई 2023 तक की दशा है, इस ये टाइम कैसा रहेगा और 2023 में ही बच्चे की ट्वेल्थ हो जाएगी तो उसके बाद का आगे का टाइम कैसा है? मैं बताता हूँ, देखिए अभी शनि की महादशा है और गुरु की अंतरदशा 30th अक्टूबर यानी कि पिछला साल शुरू हो गई थी और ये चलेगी 2023 तक। शनि मैंने आपको बताया सेल्फ और जुपिटर मैंने आपको बताया गेंस, तो सेल्फ और ये गुरु हो गया गेंस, जब सेल्फ और गेंस का आपस में कनेक्शन बन जाएगा तो गेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और लकीली यहाँ पे तो अगर आप देखेंगे गुरु जो है वो फर्स्ट हाउस को ही देख रहा है, शनि की राशि को ही देख रहा है और शनि अपनी ही राशि को देख रहा है, तो ये जो टाइम है 2023 तक का टाइम, जब तक कि ट्वेल्थ कंप्लीट होगी, जब टाइम आ जाएगा आपने आगे की सेटिंग करने का, तो ये टाइम कहीं ना कहीं सेटलमेंट की तरफ लेके जाएगा और बहुत सक्सेसफुल टाइम होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये टाइम खूब चलेगा। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात क्या है कि 2023 के बाद मरकुरी की दशा आ जाएगी, मरकुरी की महादशा, और बुध आपको मैंने पहले समझा दिया फिफ्थ का जहाँ पर त्रिकोण का लॉर्ड है और अपनी ही राशि एट्थ हाउस के अंदर बैठे हुए, यानी कि ये जब दशा खत्म होगी, शनि और गुरु की दशा खत्म होगी और मरकुरी की दशा शुरू हो जाएगी यहाँ पे एट्थ हाउस में जो बैठ के अपने ही त्रिकोण के साथ बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं इतने सारे प्लैनेट्स के साथ, तो ये वाय स्पीकिंग वाय वेल्थ वाय फैमिली, जिसको हम फैमिली भी कहते हैं, वाय फैमिली सपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिकॉज मर्क्यूरी कम्युनिकेशन को भी डिनोट करता है, तो कम्युनिकेशन बहुत ऊपर चला जाएगा। सर एक बात बताइए, सर सेकंड हाउस में राहु है और एट में केतु है, तो ऐसा बच्चा क्या फैमिली से बाहर ही जाता है पढ़ने के लिए या सेटलमेंट के लिए? देखिए सेकंड हाउस वेल्थ का भी होता है, सेकंड हाउस स्पीकिंग का भी, सेकंड हाउस परिवार का कुटुंब का भी होता है। राहु तकरीबन सेकंड हाउस के अंदर बाहर ही भेजता है, अपनी फैमिली से दूर करता है, बट और कई बार सेकंड हाउस में राहु बड़ा घातक हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे राहु जो है गुरु की राशि के अंदर, जुपिटर की राशि के अंदर, और जुपिटर की राशि के अंदर राहु कभी भी नेगेटिविटी नहीं देता, कम नेगेटिविटी होती है, बिकॉज जुपिटर बींग द गुरु, इसे हम लोग गुरु भी कहा जाता है, कोई भी प्लैनेट हो चाहे वो सूर्य हो चाहे शनि जैसा घातक प्लैनेट हो, हर प्लैनेट गुरु की रिस्पेक्ट करके चलेगा, तो यहाँ पे गुरु अच्छा ही रिजल्ट देगा। बस ये और राहु जो फॉरेन को ही डिनोट करता है, फॉरेन एलिमेंट को डिनोट करके चलता है, ये शनि को डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, 1 2 3 4 5 पांचवें स्पेक्ट शनि को देखने से सेल्फ को बाहर लेकर चलता है, फॉरेन में लेकर चलता है, तो जो कुल मिलाकर जो लग रहेगा फॉरेन का ही लग रहने वाला है। तो 11 में बच्चा अगर ह्यूमैनिटीज ले ले तो बेटर है, कॉमर्स का तो आप कुछ बता ही नहीं रहे, कॉमर्स और साइंस उसकी लाइन में। देखिए जिसका जिसका शौक हो सीए बनने का, ICW में जाने का या फाइनेंस में लाइन में जाने का, उसके लिए भी ये फील्ड बनती है, बिकॉज मंगल जो कि प्रोफेशन का ही लॉर्ड है कैलकुलेशन को डिनोट करता है, बुध अपनी ही राशि में वो फाइनेंस को डिनोट करता है, और ये दोनों अगर हम देखें सेकंड हाउस में तो वेल्थ वाले, एक फाइनेंस लाइन हो सकती है बट बिकॉज शुक्र यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली प्लेस है, हालांकि यहाँ पे नीच का है, आप यहाँ पे देखेंगे शुक्र जो है वर्गो यानी कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो आप कहेंगे शुक्र नीच का होने के बाद आप मीडिया के लिए क्यों बोल रहे हैं, अब यही शुक्र अमिताभ बच्चन साहब की उंगलियों में नीच का ही है, लेकिन बुध के साथ होने से बुध के साथ नीच भंग राज्य मिल जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो फैशन नंबर वन CA या ICWCS नंबर टू, तो ये एक फील्ड बन सकता है, जिन जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी कुंडली के अंदर कुंभ लग्न की कुंडली है, शुक्र कहीं ना कहीं सेल्फ के साथ चल के चलते हैं या बाकी लग्नों के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो मान के चल सकते हैं फैशन ब्यूटी
गारमेंट्स ही आप ही की फील्ड है, आप चाहे तो सलून खोल सकते हैं, आप चाहे तो पार्लर खोल सकते हैं, और अगर दशा भी सपोर्टिव है तो इसके बाद तो जरूरत ही नहीं कुछ देखने की। सर और एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आजकल हर पेरेंट्स का क्वेश्चन है, आजकल सबके एक या दो बच्चे ही होते हैं, तो क्या ये बच्ची अच्छी रहेगी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करके या उनको साथ लेके चलेगी, जैसे हर पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों से, तो ये बिटिया कैसे रहेगी अपनी फैमिली के लिए? देखिए मैं अपनी हर वीडियो में अपने हर आर्टिकल में एक बात बोलता हूँ, किसी भी लेडी के लिए जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस को देखे तो मान के चल सकते हैं कि संस्कार जुपिटर संस्कार के लिए होता है, जुपिटर स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। और अगर कोई वुमेन का है, किसी लेडी का, किसी लड़की का फर्स्ट है, उसको जुपिटर देखा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो ऐसे में संस्कार बाय डिफॉल्ट अपने अंदर आ जाते हैं, धर्म अपने अंदर आ जाता है, संस्कार अपने अंदर चले जाते हैं। और जुपिटर वैसे भी यहाँ पे हम देखेंगे फादर वाले हाउस के अंदर ही है, तो कहीं ना कहीं फैमिली को साथ लेकर चलने वाली है, कोई टेंशन ऐसे रहने वाली नहीं है ज़्यादा। और यहाँ फोर्थ हाउस मदर का भी होता है, नाइन्थ हाउस फादर का, नाइन्थ हाउस में तो ऑलरेडी है ये जुपिटर, कोई दिक्कत नहीं है। और किसकी राशि में बैठे हुए हैं? शुक्र, जो कि यहाँ मदर को डिनोट करता है, और मदर किसके, मदर के साथ यहाँ पे आप देखिए कॉम्बिनेशन एक अच्छा बन के चला जाता है। सेल्फ के साथ मदर का पार्टिसिपेट करना पेरेंट्स के लिए कोई मतलब ज्यादा, पेरेंट्स भी बच्चे के लिए बहुत कुछ करेंगे, लग्जरीज जो उसको बच्चे को मिलनी है पेरेंट्स के सपोर्ट से बिल्कुल, मिलनी है। बिल्कुल बिल्कुल, पेरेंट्स भी बच्चे के लिए लकी है और बच्चे भी पेरेंट्स के लिए लकी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी प्रतिभा जी कुछ आपके माइंड में हो तो, और पूजा जी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा, या हमसे कुछ मिस हो रहा हो तो हमें बताइएगा, हम बताएंगे आपको। और कोई सेम ऐसी कुंडली है इसी पैटर्न में चाहता है तो हमें बताइएगा, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और उससे पहले हमारी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, और कोई चाहे तो अपनी ईयरली रिपोर्ट भी हमसे ले सकता है मेल के थ्रू या व्हाट्सएप पर। नमस्ते, जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।